कॉस्ट ऑफ कैपिटल शायद मंडे को खत्म हो जाएगा, मंडे को आखिरी क्लास रहेगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितना ही बड़ा था। तो कल जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे पहले वो अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 50, कभी कभी करंट लगता है। क्वेश्चन नंबर लिखा जरा देखते हैं। शायद बात कर लिया था हम लोगों ने, इसमें डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ था, ये भी बातें पढ़ लिया था। साथ में हमने ईपीएस भी पढ़ लिया था थोड़ा सा, और कंपनी जो इश्यू कर सकती है 14% डिबेंचर, ये सब कुछ पढ़ा था। रिक्वायरमेंट पे आते, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या निकालना है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट। पहले कॉस्ट किसका निकालना है, न्यू डेट और न्यू प्रेफरेंस, और न्यू का इंफॉर्मेशन है पहला काम तो करे। डेट फॉर्मूला क्या है हमारा, के डी इज इक्वल आई 1 माइनस टैक्स, और रिडेम्पशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो डिवाइडेड बाय किया जाएगा लास्ट में इंटू 100। तो कितना दिया है, 13%, तो 13 रुपीज ले लूं। अच्छा 13 आएगा कि 14 आएगा, भाई न्यू का निकाल रहे, यहाँ 14 लिखा है पर यहाँ 13 लिखा है ना, 14 नहीं आएगा, मजाक कर रहा था। कैसे बच्चे हो यार, 1 माइनस टैक्स का रेट दिया है कि भाई 15। और एक बार जोर से बोलते ना तो सबका आंसर 13 आ जाता, मैं एक बार और जोर से आ जाता 13 डिवाइडेड बाय नेट कितना आ रहा है, बेचने पर 98। ठीक, परसेंटेज बोलोगे 7.1%। दूसरा हमको निकालना है न्यू प्रेफरेंस शेयर, एपी का फॉर्मूला है पीडी एनपी इंटू 100। तो बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 1.2। कुछ बच्चे तो प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड पे भी ग्रोथ निकाल रहे थे, 1.2। और प्राइस कितना है यार, 9.8 × 100। पहला काम तो कर दिया हम लोगों ने। दूसरे नंबर पे क्या बोल रहा है,
न्यू शेयर्स अगर इश्यू होते हैं तो के ही निकालिए, पर हालांकि नए शेयर्स इश्यू नहीं कर रहे हैं, हम रिटर्न अर्निंग को यूज कर रहे हैं, मतलब के आर निकालिए। तो चलो के आर निकाल लेते, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग। के आर इज इक्वल टू डी वन पी जीरो प्लस, यही समस्या है। ये तो चलो हो जाएगा, समस्या यहीं से आनी स्टार्ट हुई थी पिछले क्वेश्चन को, कल हट जाएगा वहां से वापस आ जाएगा। क्या बोला था यार, बताओगे D1 के लिए? यार लिखा शब्द था द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इन नेक्स्ट ईयर इज 50%, किसका लेना है 2000। तो D1 तो पहले मैं अलग से लिख देता हूं, 2015 का EPS कितना है भाई, 2.50%, बोलो कितना, 1.3865। ये तो हो गए, अभी चाहिए P0, 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 27.75। अभी क्या बचा, एक चीज ग्रोथ, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट कैसे निकाले, दिख रहा है 12%, लेकिन ऐसे नहीं निकाल सकते। हाँ, कभी भी जब भी ग्रोथ रेट निकालना रहेगा इस तरह का होगा, तो यहाँ का ईपीएस देखना और लास्ट का ईपीएस देखना, बीच का कुछ भी क्यों ना दे वो एवरेज निकालते हैं हम लोग, शुरू का ईपीएस देखो और यहाँ का ईपीएस कि कितने का ग्रो हो रहा है, ऑन एन एवरेज लास्ट में देखना है। ठीक, तो बताओ अभी ईपीएस कितना है यार, मतलब अभी का मतलब 2006 में ईपीएस कितना था, एक ये ग्रो हुआ 1+g, कितने साल का देखना, कितने साल बाद का है वो 2015, मतलब कितने साल बाद, 10 के 9, यहां से एक गिनेंगे ना, है ना, पावर 9 इज इक्वल टू लास्ट वाला 2.773। ठीक, अब अगर दिक्कत है कि 9 है कि 10 है, बड़ा आसान है, 12% आ गया तो ठीक, नहीं तो 10 कर लेंगे, ठीक है, पर 12% तो आना चाहिए आपको। तो चलो जी निकालते हैं, 1+g इज इक्वल टू 2.773 डिवाइडेड बाय 1 पावर 1/9, तो 1+g इज इक्वल टू 1.12, तो जी इज इक्वल टू 0.12 या 12%। ठीक नहीं, पक्का बताओ मुझे कैलकुलेट करके, आ गया इसे सॉल्व कैसे करते पता है ना, 30 पावर्स। तो के आर इज इक्वल टू डी वन मालूम है क्या यार, 1.3865 डिवाइडेड बाय 27.75 प्लस 0.12, कितना,
मतलब राउंडेड ऑफ कर, कितना आ रहा 16 पॉइंट, मतलब 17 कर रहा हूँ मैं सिर्फ। ठीक है यहाँ तक बस इतना ही था कि क्वेश्चन और कुछ है? ओहो कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ रहे हो क्या होता है? कि आपको मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल, मुझे एडिशनल पैसों की जरूरत है, और एडिशनल पैसे कितने पैसों की जरूरत है, कुछ भी ले लो मन से, मुझे 7 लाख 8 लाख रुपए की जरूरत है, तो बताओ इस पे WAC कितना आएगा? 8 लाख कहाँ से आया? मन से। अब एक बात समझाने की कोशिश करूं, अगर मुझे 8 लाख रुपए की जरूरत है तो WACC कितना आएगा? क्या मेरा और जो पैसा का अरेंजमेंट है जो भी नया कहाँ से है, तो क्वेश्चन ये है कुछ पैसा कहाँ से उठाओगे? इक्विटी से, कुछ पैसे प्रेफरेंस शेयर, और कुछ पैसे डेट। ये डिस्कस हुआ था कि आगे जितना भी लगेगा ऐसे ही जाएगा। इक्विटी से कितना आ जाएगा परसेंटेज? 15% और प्रेफरेंस से 80%, प्रेफरेंस शेयर 15%। तो क्या 8 लाख को ऐसे बांटूं और फिर वेट नहीं कर लूं? सोचो सोचो सोचो, 8 लाख रुपए की मान लो जरूरत है और मैं निकालना चाहता हूँ WACC कैसे कितना आएगा, तो हम करते कैसे? 8 लाख को मान लो ऐसे बांट लेता मैं, फिर मैं टेबल बनाता प्यार से। टेबल में क्या होता सबसे पहले? इक्विटी डेट वगैरह, फिर अमाउंट, फिर क्या होता? वेट। और वेट कितना आता? इतना ही तो आता। मैं क्या कहना चाहता हूँ बस, या 8 लाख या 10 लाख या 15 लाख की कोई रेलिवेंसी ही नहीं है। वेट दे दिया और बोलता है WACC निकालो, वेट इंटू डेट, खत्म। ठीक है यहां तक समझ में? तो लिखते हैं पॉइंट नंबर 2। वाओ सर ये तो इजी हो गए। कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बस यहां लिख लेना इक्विटी से कितना लेना आपने हमको, 80%, डेट से कितना लेना है, फिफ्टीन परसेंट, प्रेफरेंस वाले से जितना भी फंड लगेगा। कल ही बात हुई थी कि हम इसी रेशियो में मेंटेन करेंगे, ठीक है? और क्या हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है केई? सीधा निकाल रहा हूं मैं WACC, टेबल नहीं बना रहा हूं, टेबल बनाने का जरूरत भी नहीं। केई निकाला है कि आपने कितना? 17%, पक्का ना? क्यों होगा यार? देखो मेरी बात समझो, अभी सुनो सुनो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, कि भाई कुछ पैसा आपको इक्विटी से व्यवस्था करना है, कुछ पैसा डेट से, कुछ पैसा प्रेफरेंस, कुछ पैसे प्रेफरेंस वाले से ले लेंगे, कुछ पैसे डेट से ले लेंगे। और आपका ये कहना कि न्यू प्रोजेक्ट में जो पैसा लगेगा उसका फंडिंग रिटर्न अर्निंग से होगा कि नए शेयर इश्यू करेंगे? कहां लिखा है ऐसा? हाँ ये है कि न्यू इक्विटी जितना भी लगेगा वो रिटर्न अर्निंग से ही होगा, इसलिए मुझे यहाँ इक्विटी मतलब रिटर्न अर्निंग लेना पड़ेगा।
आएगा ना, देखो ये आया। अभी अभी के ही इज इक्वल टू के आर मैं मानता हूँ, लेकिन सुनो ना, जब ये समस्या आएगी तो समस्या फिर ये भी तो हो सकती है। यहाँ 13% डिबेंचर है, यहाँ 11% प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। और इस लाइन का यूज क्या होगा वो आगे वाले पॉइंट से समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। अभी पैसों का कहाँ से व्यवस्था हो रहा है, रिटर्न अर्निंग। तो रिटर्न अर्निंग का कॉस्ट क्या है, 17। और पूर्वी का कहना है सर 17 टाइम पास कर दिए आपने, अगर आप केई भी लेते तो 17 ही होता। हाँ बात भी सही है, इतनी गहराई से मैं सोचा नहीं है। 0.8 केडी कितना निकाले थे भाई, 7.14 इंटू 0.15 और प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कितना था, कितना 12.24 इंटू 0.05 प्लस 15.28%। पढ़ना आता है इंग्लिश, पढ़ के बताओ क्या कहना चाहिए। अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है अलग अलग बच्चों। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ क्या लिखा क्या धीरे धीरे करते ना, एक एक पहली को सुलझाते, ये थोड़ा बहुत समझ में आया। ये कहीं ना कहीं लिखा होगा 2015 का ईपीएस, मैं एक बार यहाँ लिख कर देखता हूँ फिर शायद दिमाग खुलेगा हमारा। 2015 का ईपीएस मालूम है कि हमको कितना लिखा है, 2.3। अच्छा इसमें से हम डिविडेंड बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं, में से डिविडेंड दे रहे हो कि नहीं दे रहे, हाँ लिखा था ना 50% डिविडेंड करके, तो बचाया कितना 50%, तो यही लिखा कि नेक्स्ट ईयर जो है वो 50% अर्निंग का बचा लोगे। तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जरा बताओगे, नंबर ऑफ इक्विटी 2 लाख, तो ये हो गई हमारी टोटल अर्निंग्स। और इसका आपने कितना डिविडेंड बांट दिया 50%, तो बचा कितना लिया अमाउंट में बता सकते हो क्या, अब बहुत काम की चीज है, दिमाग चलाना पड़ेगा।
यार मेरे पास 277,300 बचा हुआ है, किस रूप में बचा हुआ है, रिटर्न, और मैं ना यार प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहता हूँ, इसको यूज करना चाहता हूँ मैं पूरा, क्या मैं नए शेयर इश्यू करना चाहता हूँ, मैं नए शेयर सोल्ड नहीं करना चाहता उसके पहले, बिना नए शेयर्स, नए इक्विटी शेयर्स मैं इश्यू नहीं करूंगा, उससे पहले मुझे कैपिटल प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, रिटर्न अर्निंग के रूप में कितना लगा है, रखा है 277,300, तो बताओ मैं प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाऊंगा, 277 लगाने को तैयार हो गया था फंड, वहां के जो सीए लोग आ गए वो बता रहे सुनो 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 नहीं लगा सकते, ये किस चीज का पैसा है, इक्विटी, और शर्त क्या होती है, इक्विटी से कितना परसेंट, 80 याद है वो रेशो मेंटेन है, आप लगा लो पूरा यूज करो, पर फिर आपको दो लोगों से और उठाना पड़ेगा और फिर पूरा के पूरा लगाना पड़ेगा, तो मुझे बताओ आप कितना लगाना पड़ेगा कि आपका रेशो भी मेंटेन रहे और ये पूरा यूज भी हो जाए, जुगाड़ लग सकता है, फिर से बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझ, मेरे पास पैसा है 277,300 मैं पूरा लगा सकता हूं, पर यार हमको कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा, ये तो आपका 80% ही है, बाकी कुछ पैसे प्रेफरेंस वाले से भी उठाना पड़ेगा, कुछ पैसे इक्विटी वालों से उठे, और पूरा पैसा प्रोजेक्ट में लगाना पड़ेगा, तो बताओ प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, कितना 346,625 ठीक। अब पढ़ते क्वेश्चन, और ये कहां से आया ये निकालने की कोशिश करेंगे, देखा हाउ मच कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कितना खर्चा करोगे बिफोर न्यू शेयर्स मस्ट बी सोल्ड, मतलब समझ रहे हो ना, नए शेयर आप नहीं इश्यू करोगे, मतलब जो रिटर्न अर्निंग है उसी को यूज करोगे, ठीक है, और वो बता भी दिया कि 50% यूज कर लोगे, जो अर्निंग का है उसका 50%, बस एक चीज याद रखना है कि ये कितना परसेंट है आपके लिए, 80, तो 277,300 डिवाइडेड बाई 80%, तो बोलो कितना आ रहा है, 346, और रेशो तो यही है, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कितना इश्यू करना पड़ेगा, करना पड़ेगा मजबूरी है, कितना 5% डेट वालों का, 15% और 80% कहां से आएगा, इक्विटी से, जो कि आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ, तो ये बेहतरीन लाइन है, ठीक, नया नहीं डाला हूं, ये था पहले भी था, बनाए एक आध पॉइंट तो रहना चाहिए, एक आध क्वेश्चन में तो ऐसा रहना चाहिए, तो पॉइंट नंबर 3 कर रहा है, 3 में पहले लिख लेते हैं अर्निंग्स, और कौन सी ईयर की अर्निंग्स लिख रहे हैं हम लोग, 2015, एक शेयर का ईपीएस कितना था, 2.7 73 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 2,00,000, तो बता दो अर्निंग्स कितना है, 2,00,000, अर्निंग्स तो पूरा है, मतलब हम क्वेश्चन को प्यार से लंबा खींच रहे हैं, अर्निंग्स डबल 5,46,00,000 ठीक, पूरा अर्निंग अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट, डबल 5,46,00,000 का कितना परसेंट, 3%, 2,77,300 तो बस सीधा निकाल रहे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना है,
277300 डिवाइडेड बाय 80%। इसमें से इतने पैसों की व्यवस्था कहां से हो रही है? कुछ रिटर्न अर्निंग से, कुछ प्रेफरेंस से और कुछ डेट से। क्या वो निकाल कर बताना है? नहीं, मांगा ही नहीं, मांगता तो हम बता देते। हो गया, चलो उतना कर लिया, इन्वेस्टमेंट लगा दिया। अगर और लगाना होता तो क्या करेंगे? इसके अलावा जो लग गया लग गया, अब मेरा और एक प्रोजेक्ट दिख गया मुझको, तो फिर क्या आप रिटर्न अर्निंग यूज कर सकते हो? बची ही नहीं, फिर तो नए शेयर इश्यू करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल? लिखा है कॉस्ट ऑफ फंड रेज इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट कैलकुलेटेड इन पार्ट थ्री। जो लगा लगा इसके और एक्सेस करना है तो कंपनी को नए शेयर इश्यू करना पड़ेगा। नए शेयर कितने में बिकेंगे? 20 रुपए में, और केडी और केपी कांस्टेंट रहेंगे, तो आपको नया डब्ल्यूएससीसी निकालना। इस बार फंडिंग कहां से होगी? न्यू शेयर्स। ये लिख लिया था ना, तो पॉइंट नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यूएससीसी। हाँ जी, के ही निकाल ले क्या? यस, फॉर्मूला तो मालूम है। डी वन कितना आएगा? वही वाला लेना पड़ेगा, पुराना वाला। कितना? 1.3865। बस पी जीरो कितना ले लेना भाई? 20। और ग्रोथ रेट कितना आएगा? ग्रोथ रेट भी आएगा, है ना? ये 5% कहां से है? और अगर मैं अभी ध्यान नहीं देता तो फिर रिवीजन के समय मुझसे कॉपी खुल गई, सर ये 5% कहां से लिखवाया था आपने? आगे केपी में कोई चेंज होना है क्या? नहीं। कितना था केपी? 12.24। और केडी में भी कोई चेंज नहीं होना है, डेट उसी रेट पर उठेगा, 7.14। हमको निकालना क्या है? डब्ल्यूएससीसी कितने रुपए की जरूरत है? 10 लाख। 10 लाख का मन से बोला तो 10 लाख का 80 रेशियो तो वही मेंटेन रहेगा ना, तो हम क्यों टाइम पास करें? 18.93 × 0.8 देखो सबसे बड़ा है 18, एवरेज तो उसी के बीच में है। कितना? 83 ले लेते। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, तो समझने वाला था, अभी तक तो टाइम पास चल रहा था।
क्वेश्चन नंबर 54 पे आई है। क्वेश्चन नंबर 54 देखकर बताओ क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन ग्रोथ रेट बताओगे कितना परसेंट। होमवर्क दे दो। होमवर्क मुझे ना मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना कम कैसे हो सकता। ठीक, निकालो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट आपको पता है। मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बस कैसे निकालोगे कि कौन सा वाला पॉइंट चाहिए। मुझे चाहिए ये वाला, हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू शेयर्स इश्यूड रिटर्निंग 50% ऑफ 2017 EPS। उसके लिए पहले क्या काम करना पड़ेगा पता है ना, पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। उतना ही जितना पिछले क्वेश्चन में था 0.8। अच्छा 2017 का EPS है 2.36 रुपए, तो 2.36 रुपए का कितना परसेंट, 50% इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 10,000। ग्यारह हजार 800 क्या है EPS अर्निंग। अच्छा 11,880% निकला, तो 11,000 डिवाइड, हाँ तो सही है, छोटा कुछ बड़ा अमाउंट आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, होमवर्क फिर तो कर लोगे घर में। सुधा जैसे 750 आ गया। क्वेश्चन नंबर 46 होमवर्क। ग्रोथ कितना दिख रहा है, दिख रहा है यहां से साफ साफ कितना परसेंट निकालना पड़ेगा। 10% ना, हाँ वही तो। जल्दीबाजी में लोग 20% बोल देते हैं ना। 46 होमवर्क। अभी घर में कोई काम करते नहीं है, मतलब क्या काम है, क्लास ही तो करनी है। एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 48। आपके टेस्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मतलब है। कैपिटल वेस्टिंग वाले सर से बात करोगे। क्वेश्चन नंबर 48 मुझे कैपिटल वेस्टिंग का टेस्ट चाहिए कल। क्वेश्चन नंबर 40 ये होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ये बनाना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ दो ही क्वेश्चन होमवर्क हैं बस, अभी आगे दूंगा ठीक है, अभी क्लास खत्म नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 एक्स वाई जेड, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, इक्विटी कैपिटल दे रखा है 10 रुपए का एक शेयर है, कितना रुपया लिखा है 15 करोड़। 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 करोड़, रिटर्न अर्निंग्स है 13.5% डिबेंचर और टर्म लोन है। दी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया है, मतलब ये क्या हो गया D1, और ग्रोथ रेट दिया है 7% और मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है 40 रुपए।
प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल आफ्टर 10 इयर्स इज करेंटली सेलिंग 75 पर शेयर. डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर और अभी कितने का बिक रहा है? 80 रुपए. इनकम टैक्स का रेट है 40% और आपको WACC निकालना है. बस कौन कौन से वेट से? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू. कास्ट क्वेश्चन यही खत्म हो जाता. डिफाइन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अगर आपको 10 करोड़ की जरूरत है तो फिर कैसे काम करोगे? इसको पढ़ने का मतलब नहीं है, समझ में आएगा नहीं. तो हम एक काम करते, ये वाला काम तो करते जो आता है. तो सबसे पहले क्या करें? स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ इक्विटी पक्का. ये सारे काम ना बिना कैलकुलेटर के किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेटर. चलो एक तो मैं बता देता हूँ. 16% आगे काम कर. अब आएगा ये केपी. अब बना रहा हूँ ना, सोचना पड़ता है. कितना है केपी? 3. केडी टैक्स सेविंग्स तो नहीं ले लिया था ना केपी पे? ये केडी 1 है ना, इसमें टर्म लोन भी है. हाँ हाँ कर सकता हूँ मैं, तो ये देख रहा हूँ कॉपियों में कि फॉर्मूले लिखते भी हो कि नहीं लिखते. हाँ लिखना नहीं छोड़ना, उसका नंबर काट देगा इंटरव्यू.
जो पेपर चेक कर रहा है वो पता नहीं किस मूड में है, आपको कैसे। हाँ वो कर सकते, हाँ जी लॉन्ग टर्म प्रोसेसिंग फीस है तो बोल रहे हैं। हाँ फिक्स का मतलब मुझे समझाओ कि जो पहला वाला था 13.5 इसमें और इसके इंटरेस्ट में क्या अंतर आ गया। इसमें 1-टैक्स किया, आपका कहना है कि इसमें 1-टैक्स नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा भाई, खर्चा है ना यार आपका। अच्छा आप उस एंगल से देख रहे हैं, चलो जी WSCC निकाल रहा है कौन से वेट से, बुक वैल्यू। मेरे बिना निकाल रहे हैं ना, बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर में एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है और भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, रिटर्न अर्निंग्स भी है, डिबेंचर्स भी है और टर्म लोन भी। तो आप ये कहना चाहते हो कि सर अलग से क्यों दिखा रहे हो, इसी में जोड़कर लिख दो। हाँ कर सकते 100%, पर देखो ना बाकी बच्चे क्या बोले। सुनो ना भाई एक बात पूछो, के ई इज इक्वल टू के आर, तो इसको अलग अलग करना है कि एक साथ जोड़ के। कोई भी तैयार नहीं है ना, प्रॉब्लम इधर ही लोग तैयार नहीं। तो 15 और यहाँ क्या आएगा 1। इन लोगों को ऐसा है कि यार सर सामने मिल रहा है ना, क्यों जबरदस्ती उठाकर सीधा यहाँ कॉपी पेस्ट करते, ये सोच रहे। 20, 10 और 12.5। जब मार्केट वैल्यू निकालेंगे ना तो अब ये लोग बदल जाएंगे फिर कहेगा नहीं 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 अलग अलग नहीं, उसी में आने दो शायद ही कोई इतनी स्पीड से चेंज होता है। चलो टोटल मारते 15 + 1 + 20 + 10 + 12.5 58.5। तो वेट 15 / 58.5 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 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
भगवान स्पेसिफिक कॉस्ट तो मेरे पास है नहीं है। आया था ये के 16 15.43, फिर 16, फिर 12.7, फिर मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ यहाँ। फाइनल आंसर कितना आ रहा, 13.9092। हाँ उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, उसका मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू एक ही बात। देखा मेरे बिना चले थे ना। ये ठीक है सेटिंग है, मुझे दूर तक दिखता है कि कहाँ क्या चल रहा है। मतलब एक छोटी सी भी गलती होगी ना मैं देख लूंगा गलती ऊपर। चलो जी अभी क्या करना है, अब हम WSAC निकालेंगे किसके हिसाब से, मार्केट वैल्यू। रिटर्न अर्निंग लिखना है कि नहीं लिखना है, रिटर्न अर्निंग हटा देता हूं। अब ध्यान से बताना कि इक्विटी का मार्केट वैल्यू कितना, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते पहले, 15 डिवाइडेड बाय 10 तो 1.5 आ गया, इंटू 40 60 का लिख लेना कि कहां से आया 60। अभी तो सेमी माने का ऑप्शन नहीं है अपने पास, चलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी मार्केट वैल्यू निकालते हैं। 1 divided by 100 into 75 तो कितना आ गया, 0.75। रेट का 8 निकाल लिया है ना। हाँ मतलब मुझे तो विश्वास 8 81.25 0.7389 98
हो गया, चले आगे। अभी आधा क्वेश्चन बाकी है। डिफाइन द वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल फॉर द कंपनी। अगर आपको कितने रुपए की जरूरत है 10 करोड़ अगले साल के लिए, और रेशियो क्या रहेगा, अमाउंट विल बी रेज्ड बाय इक्विटी एंड डेट इन इक्वल प्रोपोर्शन। 10 करोड़ में से 5 करोड़ किससे इश्यू करोगे, डेट से, और 5 करोड़ इक्विटी से। जो बोला वैसा करेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या खास बात थी, एक क्वेश्चन की उसमें ऑप्टिमम लिखा हुआ था, इसलिए हमने पुराने वाले वेट सीखे, इसमें वेट दिया, ठीक है। रिटर्न अर्निंग कितना, अनुमान है कि 1.5 करोड़ हमारे पास रिटर्न अर्निंग रहेगा। फिर सुनो, इक्विटी से हमको 5 की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए शेयर कितने के इश्यू करना पड़ेगा, सोच समझ के बोलना। देखो 10 करोड़ चाहिए, आधा आधा करो, 5 5 5 कहां से आएगा, इक्विटी पर। इक्विटी का तो पहला पैसा पहले से है, कितना है 1.5, तो नया शेयर 3.5। जो एडिशनल शेयर है उसकी वजह से नेट प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा, 32 के हिसाब से। द डेट रेज बाय वे ऑफ टर्म लोन विल कॉस्ट 15% फॉर द फर्स्ट 2.5 करोड़ एंड 16% फॉर द नेक्स्ट 2.5 करोड़। बोले पहला जो 2.5 करोड़ है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, पर आपको 2.5 करोड़ और वहां में नहीं मिला कहीं और, तो अगले 2.5 करोड़ पे कितना, 16%, ठीक है। तो देखिए कैसे अरेंजमेंट करना पहले, और फिर WACC निकालना, निकल जाएगा WACC, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। थोड़े अच्छे से समझा देता हूँ ना, तो दिक्कत नहीं होगी। तो डिसीजन ट्री बनाया है क्या, हाँ वैसा वाला पहले करवा देता हूँ, उसी टाइप का। तो हमको 10 करोड़ चाहिए, बच्चे सोच रहे ट्री कैसे बना रहे हैं, कुछ नहीं भी। 10 करोड़ को 2 पार्ट में बांट दिया, कुछ पैसे कहां से डेट और कुछ पैसे कहां से इक्विटी। एक पैटर्न बना रहा हूं मैं, ये कैसे होगा करके। डेट से कितना परसेंट बोला यार, 50%, और इक्विटी से भी कितना, 50%। तो मतलब ये हो गया 5 CR, और यहां भी कितना हो गया 5 CR। फिर इसको भी 2 भागों में बांट ली। ऐड भी करोगे तो कैसे अरेंजमेंट करोगे, तो सर इसमें जो है 2.5 करोड़ का रेट क्या रहेगा, पढ़ा था ना यार, 15% पे उठाओगे, और बचा हुआ 2.5 करोड़ कितने परसेंट पे, 16% पे, और इक्विटी को भी मैंने 2 पार्ट में बांट दिया। रिटर्न अर्निंग 1.5 करोड़ और बचा हुआ न्यू इक्विटी आएगा, नया शेयर इश्यू करना पड़ेगा, और न्यू इक्विटी कितना बचा 0.5। तो भाई हम लोगों को WACC निकालना है, बता सकते हो कैसे किया जाए WACC। हमको KEKP क्या क्या लग रहा है वो तो निकालना पड़ेगा, तो बताओ पहले काम क्या करें। देखो यार डेट इसके लिए अलग निकाले कि एक साथ ही काम कर दे, क्रेडिट एक ही बार निकाल, हे भगवान। अच्छा अलग अलग भी निकाल सकते हो, एक साथ भी निकाल। देखो मैं एक साथ कैसे निकाल रहा हूँ, सुनो, 2.5 करोड़ पे 15% ब्याज देना पड़ेगा, तो 2.5 का 15% कितना इंटरेस्ट जा रहा है, मानते हो, यस। और 2.5 करोड़ पे कितना, 16%, 2.5 into 16%,
0.40, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 0.775 आई हो गया है, 1 माइनस पॉइंट जो भी होगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 है ना यार। तो सिंबल था ना ये, इस पर आप अलग अलग करना अलग अलग कर सकते हो, आंसर उतना ही है। तो पहले करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट, फिर क्या निकालेंगे KR, फिर क्या निकालेंगे KE और फिर WACC निकालेंगे, ठीक है। फिर स्टार्ट करते अलग अलग ही कर लेंगे, ठीक है अलग अलग ही कर लेंगे। अच्छा फिर कैसे लिया अभी, ऐसा ऐसा बनाने से नंबर मिल जाएगा क्या, अच्छे से लिखना पड़ेगा ना इसको, तो पहले लिख। अच्छा आगे निकल चुके हैं, चलो तो कौन सा पॉइंट कर रहे थे हम, पॉइंट नंबर 2। फंड रेज कितना रुपए का अरेंजमेंट करना है, फैंसिया फ्रॉम इक्विटी कितना परसेंट, 50%, तो कितना गया 5 करोड़। अब इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, कहाँ कहाँ से जाएगा ये, कुछ आएगा रिटर्न अर्निंग, ₹ 1.5 करोड़ और न्यू इक्विटी, डेट में एट द रेट 15% का 2.5 करोड़, एट द रेट 16% का। सर अंतर क्या है इसमें और इसमें, कुछ अंतर नहीं है, क्या है आज इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाने हैं, टाइम था। अब सुनो, अब केई केपी वगैरह निकाल लेते, केपी तो लगेगा नहीं, पहले केई निकाले, यहां से स्टार्ट करते। तो सबसे पहले निकालते हैं केआर, कॉस्ट ऑफ रिटर्न केआर का फॉर्मूला क्या आएगा भाई, फॉर्मूला तो हो गया डी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो, तो निकला हुआ ऑलरेडी है ना जी, 17% निकला हुआ ना ऑलरेडी, अच्छा 16% निकला के आर तो ऑलरेडी निकला हुआ 16%। अच्छा डिविडेंड में चेंज आ रहा है क्या, हाँ हाँ पहुंच रहा है, ठीक कह रहा मैं देख रहा हूँ, फॉर्मूला तो ये लगेगा, तो D1 तो उतना ही रहेगा ना यार, D1 तो है आपके पास, कितना है D1 नहीं डिविडेंड तो वही रहेगा ना, D1 कितना था 32 क्यों, रिटर्न अर्निंग पे क्यों 32 एप्लीकेबल होगा भाई, नेट अगर मैं इश्यू कर रहा हूं तो 32, पहले शेयर का प्राइस क्या था जरा बताना एक्चुअल में, 40, तो एक्चुअल में प्राइस तो 40 ही है, पर नया शेयर इश्यू कर रहा है तो कुछ पैसा वैसा कट के मिल रहा होगा आपको, अभी तो 32 मिल रहा है, पर साहब लिखा है थी एडिशनल, हाँ वैसे तो मैं वैसे यहां मैं 32 लिखवा सकता हूँ, उसमें आपको संतुष्टि हो जाएगी, काटना नहीं पड़ेगा, लेकिन है गलत, यहाँ आपको कितना लिखना पड़ेगा वही जो पहले का 40, हाँ जी
प्लस, हाँ हाँ 16% ही रहेगा वो तो मैं जानता हूँ। क्या चीज नहीं, सिर्फ बोल रहा है एडिशनल जब इश्यू कर रहे आप ये कह रहे हो कि ये मार्केट प्राइस है, आपका क्या कहना ये मार्केट प्राइस है, और मुझे तो ये कहीं भी दिख नहीं रहा कि ये मार्केट प्राइस, ये नेट प्राइस लिखा है, नेट का मतलब समझा दो बस। एक लाइन लिख लेना कि जब भी रिटर्न अर्निंग निकाला जाएगा तब फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो मार्केट प्राइस से माइनस नहीं हो, क्या लिखा था क्या? हाँ वही वही, हाँ पर सर हमने ना इसको एक्चुअल में प्राइस माने हैं इसी वजह से, नेट प्राइस एडिशनल इश्यू ये सब कुछ लिखा। हाँ वो उस समय सही था, उस समय के लिए सही था जी। कितना है? वाओ 16% ही है, ठीक है। बाकी बच्चों को लग रहा होगा अब मिल गई आपको तसल्ली, हाँ 16 यही निकालते। केई में आएगा 3.60 रुपए डिवाइडेड बाय, अब मैं एग्री हूं 32 के लिए प्लस 0.18.25। अब देखो यहां का खेल है, इसमें भी गड़बड़ किया होगा मुझे पूरी उम्मीद। डेट नहीं, मैं अलग अलग भी निकालूंगा ना आपका, मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ। केडी इसका अलग निकाल लेते, इसका अलग निकाल लेते तो फिर तो सीधा नहीं, आई वन माइनस टैक्स से निकाल लेते तो इसको मैं ऐसे करना पड़ेगा फिर केडी वन। तो 15 वन माइनस 0.40 तो ये आ गया 9 और केडी टू 16 वन माइनस 0.4 और इसका एवरेज करोगे तो कितना जाएगा 9.3। एवरेज क्यों कर रहा हूं मैं? हाँ मतलब अगर मैं कहता हूँ ओवरऑल केडी क्या आएगा 9.3, कैसे निकाल रहे हो? गलत, गलत 9 × 0.5 प्लस 9.6 × 0.5 हल्के में ले रहे हो, गलती से ये 4 करोड़ होता, ये 2.5 होता, ये 4 होता, अभी तो 2.5 है तो एवरेज मार रहे, सिंपल एवरेज। पर अगर यहाँ कुछ और होता तो ये वेट ही तो लेना पड़ता ना। हाँ रेशो, रेशो निकाला 0.5। चलो WCC निकाले। यस कहां से कितने कितने पैसे थे? रिटर्न अर्निंग से था 1.5। कैसे करें इसको, टेबल में बनाना कि एक लाइन में बनाना? एक लाइन में बनाते ना यार। केई कितना है? केई 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 है 18.25 × 3.5 / 10 प्लस
फिर कितना था 16 × 1.5 / 10 प्लस 9.3 × 5 / 10 पूरा एक घंटा इस क्वेश्चन को लगा दिया मैंने। क्या बोलना पड़ता है फाइनल आंसर कितना आ रहा ठीक है 15 मिनट बचा हुआ एक आध क्वेश्चन और बन सकता है क्वेश्चन नंबर 45 हाँ पर अब हो जाएगा कितने सुनो एग्जाम में आया हुआ भाई एग्जाम में आया था नवंबर 2019 में 10 नंबर का क्वेश्चन पढ़ोगे क्वेश्चन को कितने रुपए की जरूरत है 5 करोड़ और रिटर्न अर्निंग आपके पास कितना है 1 करोड़ और रिटेल दिया जो पैसों का अरेंजमेंट करे कि ये डेट और इक्विटी किस रेशियो में 3:1 तो 5 करोड़ का 3/4 करो कितना आ रहा 3.75 में ऑलरेडी 1 करोड़ का हमारे पास क्या है रिटर्न तो बचा हुआ का क्या आ जाएगा इक्विटी एडिशनल इश्यू जो नए शेयर इश्यू करेंगे वो कितने के हिसाब से इश्यू करेंगे इस एडिशनल लिखा है तो सर पहले वाला प्राइस कहाँ है देखते हैं आगे डेट कैपिटल रेज बाय टर्म लोन विल कॉस्ट 10% फॉर फर्स्ट 75 लाख और 12% फॉर नेक्स्ट 25 लाख मेरे ख्याल से 75 और 25 अच्छा 50 75 और 50 कितना होता है 1 पॉइंट उतना ही लग रहा है कि डेट में पता नहीं देखे नहीं वो उतना ही आएगा मुझे ठीक नेट एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब D1 और डिविडेंड कितने परसेंट से ग्रो होगा 5% से और इनकम टैक्स का रेट कितना है 25% उन लोगों के लिए खुशी की बात है जो 25 ही ले लिए थे रिटर्न अर्निंग में तो अभी तो झंझट ही खत्म ना सर अब तो कोई इश्यू नहीं है आपको अब तो नीचे 25 ही आएगा पुराना तो कुछ मालूम ही नहीं है हम लोगों को डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इक्विटी एंड डेट फॉर रेजिंग वो सुनो धीरे धीरे बोला वो बोलते एकदम से नहीं करोगे हम जैसा बता रहे हैं जैसा पूछ रहे हैं वैसे वैसे बताते जाओ बताओ इक्विटी में कितना और डेट में कितना पहले ये पूछा है फिर क्या मांगा है पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट्स यहाँ मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा KD1 KD2 नहीं चलेगा आपको ओवरऑल ही बताना पड़ेगा एक ही KD बताना पड़ेगा इट मीन्स 9.3 वो 9.3 कैसे निकलेगा मतलब यहाँ कुछ और निकलेगा वो बताना पड़ेगा फिर क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ आपकी जीत हुई ठीक है यहाँ एक ही आएगा आगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चलोगे दस नंबर का क्वेश्चन है हाँ जी हमारे पास 15 मिनट है 15 मिनट में तो बन ही सकता है आराम से रुक जाओ थोड़ा ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है एक बार पढ़ लो टोटल कितने की जरूरत है 10 लाख में से 2-10 का क्या रखा है हमारे पास रिटर्न अर्निंग ठीक है किस रेशियो में डेट इक्विटी रखना है 3:1 केडी 1:80 तक 10% और 1:80 के ऊपर 16%
अर्निंग पर शेयर दिया 4, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया 50%, ग्रोथ रेट कितना दिया है 10%, करंट मार्केट प्राइस है टैक्स, पहले बताओ पैटर्न क्या रहेगा, कहाँ से डेट, कितना इक्विटी, ये सब कुछ, और फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट्स, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और WACC। जिन लोगों को होमवर्क चाहिए ये वाला होमवर्क ले लेना, पर वो वाला मैं करवाऊंगा, है ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 पे भी आ जाओ ना यार, नहीं आ तो जाओ, एक बार पढ़ोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक 52 20 नहीं पढ़ तो लेते हैं, 20 लाख चाहिए, 4 लाख क्या है हमारे पास रिटर्न, नहीं किस रेशो में मेंटेन करना है, 25-75 डेट, 10% 2 लाख तक और 13% उसके बाद। एक बात, बस एक बात पूछ, अर्निंग पर शेयर दिया है 12 और डिविडेंड पे आउट रेशो दिया है 50%, डिविडेंड बोलो 6 डिजिट होगी D1, बस यही फंसोगे, बाकी और कहीं और कोई D1 शक था इस पे थोड़ा बहुत, नहीं डिविडेंड तो 6 रुपए है, D कितना है 6, पर यहां का समस्या है कि यहां क्या लिखा जाए, D1 की D0 शक है कि नहीं है, मतलब लग रहा है कंफ्यूजन कि यार D0 है कि D1 है पता नहीं। जब भी थोड़ा सा लगेगा ना तो एक नोट लिख कर आना कि आप उसको क्या मान रहे हैं, और ये D1 इंस्टीट्यूट ने D1, आप भी वही सोच रहे थे ऐसा नहीं, पर थोड़ा भी लगेगा ना कि यार कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो एक नोट लिख देना कि आप क्या ले रहे हैं, और ये बेकार की बात दिया होगा क्योंकि आपको तो घुमाएगा। हाँ अब KE और KR अलग आएगा, है ना, चलो तो ये भी होमवर्क ले लेना, चलो सर ये भी होमवर्क दे दो ना प्लीज। चलो अच्छा 52 भी होमवर्क चाहिए क्या, 52 भी होमवर्क, 55 यार खुद सोचो, आप कहोगे सर क्यों करवा, आप ही तो बोले थे होमवर्क चाहिए, 10 लाख आप कहोगे सर क्या क्वेश्चन है, 10 लाख में से 3 लाख का रिटर्न अर्निंग बचा कितना, साथ में ऐसा नहीं करेंगे, 10 लाख को 40 और 60 के रेशो में बांट दोगे, 1:80 और 1:80 के ऊपर EPS दिया है, डिविडेंड पे आउट रेशो, ग्रोथ रेट दिया, करंट मार्केट, बाकी सब चीज पे होमवर्क। वाओ खत्म हो गया, PG खत्म हो गया, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा करने का सोचे थे, 45 कर, पहले नंबर पे अमाउंट निकालना है इक्विटी और डेट का, पंद्रह मिनट था टाइम, 5 ही मिनट खत्म हो गया, इनका कहना टाइम ही खत्म हो गया, अभी तो 10 मिनट है। मंडे को इसको खत्म करना चैप्टर, बस कुछ नहीं हो गया, एक आध दो क्वेश्चन हो गए, पूरे क्वेश्चन खत्म कर। तो होगा क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, लिवरेज भी 3-4 क्लासेस में होगा, अच्छा लगेगा, छोटे छोटे चैप्टर पूरा खत्म करेंगे। और सुनो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा भगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको घर में करना चाहिए, जो होमवर्क दिया हूँ वो होमवर्क लायक ही। तो स्टार्ट कर, कितना फंड रेज करना है टोटल हमको, आप फ्लो चार्ट में अगर लगेगा तो आप बना सकते हो। हमको चाहिए 5 crore फ्रॉम इक्विटी,
किस रेशियो में, मतलब 3/4 कितना 2.3.75। अब इक्विटी का मतलब या तो हो सकता है रिटर्न, रिटर्न अर्निंग तो हमारे पास है ऑलरेडी कितना 1, और दूसरा पैसों का अरेंजमेंट होगा न्यू इक्विटी। हाँ 2.7 और फिर पैसों का अरेंजमेंट होगा डेट, दस परसेंट के लिए मतलब 75 लाख, मतलब 0.75 सीआर लिख दूं, और 12% के लिए 0.50। चलो हो गए ये तो। वैसे भी कर सकते, हाँ लेकिन ना देखो पिछले बैच में मैंने करवाया था ना तो लोग वो ICAI का लेकर आ जाते कि ये देखो सर, सर अगर काट दिया तो मैं ऐसे भी करवा दिया कि देखो ऐसे इस तरह से प्रेजेंट किया है इंस्टीट्यूट ने, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये मैं कैसे बता पर ऐसे में भी दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत एक दो बार में हो जाएगा प्रैक्टिस। चलो स्टार्ट करें। क्या मांगा है? कॉस्ट ऑफ डेट। अब सुनो मैं पॉइंट नंबर 2 अलग तरीके से कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ डेट, पहले मैं प्री टैक्स निकालूंगा यार। 75 लाख पे 10% मतलब 0.75 सीआर इनटू 10% प्लस मैं इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल रहा हूं, और 0.50 सीआर पे कितना परसेंट 12%, तो टोटल जो ब्याज जा रहा है वो कितने पे जा रहा है 1.25 सीआर, परसेंटेज मिलाना है तो इनटू 100 कर देंगे 10.8%। पर ये कैसे है प्री टैक्स, आफ्टर टैक्स कर लेते हैं इसको, केडी निकल जाएगा हमारा। वन माइनस टैक्स का रेट कितना है 0.25, के आर और के ई एक ही रहेगा। पॉइंट नंबर सी कर लेते हैं, के ई इज इक्वल टू डी वन पी जीरो प्लस जी टू डिवाइडेड बाय टू, कहां से आया अच्छा स्रोत कितना है 0.05, और के आर भी कितना रहेगा 13%। लास्ट वाला काम कर ले खत्म, डब्ल्यू एस सी से निकालना है।
कितना 7 points. सही भगवान मेरी भी नहीं चाहे एग्जाम में शायद लिखकर मत आ अभी मुझे बताओ ये मैंने जो रेशियो लिया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बाकी अगर किसी को अमाउंट लेकर करना तो वैसे भी. तो कल कैपिटल वेस्टिंग का टेस्ट होगा 2 घंटे का.